हेलो सलकुम गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम मुजफ्फर और मेरे साथ मुजम्मिल। तो आज हम एक वीडियो को रिएक्ट करने लगे हैं। इसके अंदर जीमन, जे हॉप और आरएम के कुछ फैक्ट्स हैं, तो इन फैक्ट्स के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले ये कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चलें स्टार्ट करते हैं। आप इसके साथ अपने थोबड़े का मेकअप कर सकते हैं। तो ये रही मेरी कुशन फाउंडेशन, इसको ऐसे टैप करिए और मेकअप लगाइए। वाओ। नंबर 5 मेरा फेवरेट यूज है जो कि है चौ जोगिंदर, हारा भाई जोगिंदर। अभी क्रिस बहुत ही पछता रहा होगा ये मुझे हाथ देख के। पूनम यूनाइटेड गोइंग। एनीवे गाइस, ये फालतू की बकवास थोड़ी कम करते हैं और वीडियो के पॉइंट पर जाते हैं। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ जो कि शायद आपको रेडी पता होगा। नंबर 1 गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली मेरे चिकने चमकीले थोबड़े पर एक और नया पिंपल आ गया है जो कि है ये वाला, और इसका नाम मैंने रखा है गेस्ट के लिए जिंगलेश। तो क्योंकि अभी क्रिसमस सीजन है, जिंगल बेल जिंगल वाली सीजन है। ये मैं दिसंबर में रिकॉर्ड हुई होगी वीडियो जो है। और नंबर 2 गुड न्यूज़ ये है कि मेरे ऑलमोस्ट 10 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मतलब कि 10 लाख थोबड़ों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, मेरे अजीब भरी वीडियोस देखे, कई मतलब है कि 20 लाख आंखों ने मेरे वीडियोस देखे। गाइस आई लव यू। एनीवे गाइस, जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बीटीएस। और स्पेशली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिमिन, आरएम एंड जे हॉप के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिमिन के साथ। तो क्या आपको पता है कि जिमिन का नाम का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है विजडम और मिन का मतलब होता है स्काई। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है विजडम जो कि आसमान को छूती है, और ये नाम जिमिन को दिया था उसके दादाजी ने। नंबर 2 क्या बात है, जिमिन अपनी फैमिली में सबसे बड़ा बेटा और उसका एक छोटा भाई जिसका नाम है फंग जी ह्यून। और जैसे कि आप फोटो में नोटिस कर सकते हैं, जिमिन और उसके छोटे भाई की शक्ल बहुत ही मिलती जुलती है। नंबर 3 जॉब। बचपन से जिमिन को इंटरेस्ट था डांसिंग में, वो स्कूल में डांसिंग क्लब में था। स्कूल के बाद में वो अकेडमी में जाता था डांसिंग सीखने के लिए, और एक्चुअली उसका ड्रीम था डांसर बनने का। और डांसिंग करते करते उसको सिंगिंग में भी इंटरेस्ट होने लग गया, और उसकी वजह से हाई स्कूल में वो बहुत ही कंफ्यूज था कि मैं आगे जाके सिंगर बनूँ या डांसर बनूँ। और जिमिन के डांसर टीचर चाहते थे कि जिमिन एक डांसर बने क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था डांसिंग में, और कोरिया में एक आइडल बनना, एक फेमस आइडल बनना बहुत ही मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी जिमिन ने अपने टीचर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और उसने बिगिस के लिए ऑडिशन करा। नंबर 4 नेटवर्क। जिमिन का नेटवर्थ है 150 करोड़ रुपए। इतने धन का कर 150 करोड़। जिमिन का अपार्टमेंट सबसे एक्सपेंसिव वाला है, अच्छा 40 करोड़ रुपए। नंबर 5 आइडियल गर्ल। तो जिमिन को पसंद है वो लड़कियां जिनकी हाइट उससे छोटी है। तो जिमिन की हाइट है 174 सेंटीमीटर, और सब लोग सोचते हैं कि जिमिन सबसे छोटा है। काफी हाइट है यार, 5.7। जिमिन और शिवा की हाइट सेम टू सेम है, तो उसको हाइट में कम लड़कियां पसंद है, क्यूट वाली लड़कियां पसंद है, और थोड़ी पागल सी सिली सी लड़कियां पसंद है। नंबर 6 बोनस फैक्ट, सुपर पावर। तो क्योंकि जिमिन को एनिमल्स बहुत ही पसंद है, तो वो चाहता है कि वो एनिमल्स से बात कर सके, तो उसका सुपर पावर होना चाहिए टॉकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनिमल्स। और अभी हम बात करते हैं बीटीएस लीडर आरएम के बारे में। नंबर 1 फैमिली। तो आरएम के पापा एसके टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं जो कि एक फोन कंपनी, और उनकी मम्मी है एक रियाचर। आरएम की एक छोटी बहन है जो कि बहुत ही सुंदर है जिसका नाम है किम जोंगमिन, और उसकी और जोंगकुक की उम्र सेम टू सेम है। एक्चुअली नामजून और उसकी छोटी बहन की शक्ल इतनी मिलती जुलती नहीं है जितनी आरएम और उसकी छोटी कजन की शक्ल मिलती है। तो ये है नामजून की कजिन जिसका नाम है जिनोन, और ये एक्चुअली बॉक्सिंग करती है, और मैं यहाँ पे इसका इंस्टाग्राम लगा दूँगी ताकि आप चेक कर सकें। नंबर 2 नेम। नामजून बीटीएस में डेब्यू करने से पहले अंडरग्राउंड रैपर था, उसका नाम था रंज रंडा। आई थिंक रंज रंडा, लेकिन आई एम नॉट श्योर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। 그 전에 제 이름이 원래 런치란다 했잖아요.
아 런치란다 했죠. 근데 런치란 런치란데 의미가 뭐? 점심이란다 이거. 점심이란다. 런치란다? 점심. 지금 시간은 런치. 점심에만 들었구나 그 캐릭터. Number three, yes. अभी मैं आपको पुराना किचन कैमरा दिखाऊंगी जहां पर बीटीएस के मैनेजर ने आरएम को प्रैंक करा था। उसको बोला था क्या तुम बीटीएस के साथ काम करना चाहते हो या फिर तुम एक सोलो करियर चूज करना चाहते हो। अगर तुम सोलो करियर चूज करोगे या तो तुम बहुत ही फेमस हो जाओगे, बहुत ही अमीर और मशहूर हो जाओगे। तो आप देखते हैं कि आरएम ने क्या जवाब दिया। That is why RM is the true real BTS leader. Number four, net worth. So RM's net worth is at 160 crore rupees. 10 crore rupees. और जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं वो स्कूल में बहुत ही स्मार्ट था और एक्चुअली वो ऑनलाइन पोइट्री लिखता था, जो शायरी होती है वो लिखता था। और उसको ओरिजिनल ड्रीम था कि मैं एक लिटरेचर टीचर बनूँ। व्हाई सो हार्ड टू से लिटरेचर। नंबर सिक्स बोनस फैक्ट, आरएम को बहुत ही डर लगता है हाथी से। और अभी हम बात करते हैं मॉरिशस चैन के बारे में, योर होप माई होप जे होप। अगर आप एक न्यूज़ सब्सक्राइबर हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर मैं कोरिया में रहती हूँ, सिटी का नाम है पंगजू, जो कि है जे होप की होम टाउन। BTS member. So actually, सारे BTS member काफी रिच हैं, वो सारे मिलियनर्स हैं, सारे करोड़पति हैं। लेकिन उनमें से जे होप की जो नेटवर्थ है ना वो सबसे हाई है, जो कि है 190 करोड़ रुपए। तो रीजन है वो ये है कि जे होप की सोलो मिक्सटेप है, एल्बम्स है और उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज की है कोरिया में, जिनसे उसको बहुत ही कमाई मिलती है। तो जे होप के पापा है एक लिटरेचर टीचर, और एक्चुअली जिस हाई स्कूल में जे होप जाता था उस स्कूल में उसके पापा जॉब करते थे, तो उसकी वजह से उसको बहुत ही प्रेशर मिलता था स्टडी करने का, अच्छे मार्क्स लाने का, क्योंकि वहाँ पर उसके पापा काम करते थे। जे होप की मम्मी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जे होप की एक बड़ी बहन है जो कि है उससे 4 साल बड़ी, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर। और एक्चुअली जे होप उससे कपड़े भी पहनता है क्योंकि वो अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहता है, उसको एडवर्टाइज करना चाहता है। नंबर थ्री, टेनिस प्लेयर। तो एक्चुअली जे होप का ओरिजिनल प्लान ये था कि वो एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बने। उसने टेनिस कॉम्पिटिशन जीती हुई है, उसके पास अलग अलग ब्रॉन्ज मेडल्स भी है। तो उसकी वजह से उसका ओरिजिनल प्लान था कि मैं एक टेनिस प्लेयर बनूँ। ये स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। नंबर फोर, स्लीपिंग हैबिट। तो जे होप की बहुत ही अजीब तरीके स्लीपिंग हैबिट है, जो कि है सोते सोते अपने आप को कच करना। जिमिन की तरह जियो को भी पसंद है क्यूट लड़कियां, पर एक्चुअली उसको हाइट में, स्किन कलर और एज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए कि उसको खाना बनाना आए, क्योंकि जे होप को घर का खाना पसंद आता है, तो वो चाहता है कि उसकी फ्यूचर वाइफ उसके लिए खाना बना सके। नंबर सिक्स बोनस फैक्ट इज डॉटर नेम। तो जे होप ने बोला कि अगर उसकी बेटी होगी ना तो वो चाहता है कि उसका नाम हो सीमांग। सीमांग का मतलब होता है कोरियन में हो। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी बाकी रहे हैं शुगा एंड जेन। तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, उनके बारे में भी एक अलग से वीडियो आएगा, तो प्लीज़ आप उसका इंतजार करना। प्लीज़ आप कमेंट में बताना कि आपको इन फैक्ट्स के बारे में कितने सारे पता थे। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। जी गाइस, आज हमने फैक्ट देखे हैं जे होप और जीमन, और इसके अलावा आरएम थे, आरएम बीटीएस के लीडर थे, और उनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और जीमन का जो बीच में उन्होंने फैक्ट्स बताया था कि उसे कम हाइट की लड़कियां पसंद हैं, और इसके अलावा जो वो एक डांसर बनना चाहते थे लेकिन डांसिंग के साथ वो सिंगर भी बन गए। तो उसके बाद जे होप के जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स मुझे लगा वो ये लगा कि उसकी दोनों से आमदन जो है ज़्यादा है, उसकी 190 करोड़, उसकी जो यानी कि जो वर्थ बता रहे थे, और बाकियों की एक की 160 बताई थी और एक की 150 बताई थी। तो बाकी मुजम्मत से पूछते हैं। फैक्ट के बारे में बताया गया बीटीएस के तीन मेंबर, तो जो है जे होप जो है, तो उसके बारे में बताया गया कि वो मतलब कि उनकी सबसे ज़्यादा आमदन है 190 करोड़ रुपीज़ जो है। तो इसके अलावा वो मतलब स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, मतलब कि टेनिस। मुझे तो ये लग रहा था कि जो जीमन है उसकी हाइट ना काफ़ी कम है, लेकिन वो 5.7 हाइट भी कम नहीं है, काफ़ी हाइट है उसकी जो है। तो आरएम की सबसे ज़्यादा हाइट है बीटीएस के अंदर,
और जिमिन की भी ठीक है, नॉर्मल हाइट है, कम हाइट नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इसके अलावा अगर आप कोई फैक्ट्स जानते हैं उस बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।